अपना इम्प्रोवाइज करती है? कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है इम्प्रोवाइजेशन का, एंड म्यूज़िक डायरेक्टर्स पे भी बहुत डिपेंड करता है. कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स आपको बिल्कुल लिबर्टी दे देते हैं, जैसा कि सर ने भी दी, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं. कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपनी कंपोजिशन के बारे में के लिए, एंड ज़्यादा 6-4 पसंद नहीं करते. सो ऑफकोर्स सिंगर्स को कंपोजर्स के हिसाब से करना पड़ता है, एंड मुझे दोनों तरह का काम करने में बहुत मज़ा आता है. बताऊँ कि गाना रिकॉर्ड होने के बाद बहुत इन्हेंस हुआ है, बहुत उसमें जिसे कहते हैं चार चांद लगा देना, तो आपने बिल्कुल चार चांद लगा दिया है. और हमें बहुत उम्मीद है कि गाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. तो रेड सिग्नल के गानों से हमको बहुत एक्सपेक्टेशन है कि पब्लिक पसंद करेगी और फिल्म को भी पसंद करेगी. तो एक नया और हिट आए मार्केट में इस तरह के. बिल्कुल बिल्कुल, जैसे साधना जी ने कहा, बस यही मानकर ग्रहण करना है. और इस अवार्ड इसको हमें हमेशा उनका साथ देना है कि उनकी जो भी सोच थी, उनकी जो भी भाभी जी ने जो भी सोचा है, तो उनके साथ हम सब है. क्योंकि हम सब, जैसे साधना जी ने कहा, हम सब रंजन जी का आशीर्वाद है हम सब पर, और उनके उनका तुलना नहीं कर सकते हैं. उनकी उनकी जो प्रतिभा है, इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग. सबसे मैं कहूँगा ओरिजिनल कंपोज़र अगर कोई थे, ओरिजिनल लिरिक राइटर, तो और एक कॉम्बिनेशन इस तरह का कमाल का, और खुद उनकी सिंगिंग की जो शैली थी बिल्कुल अलग, अनूठा. सो आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग म्यूजिशियन, और ऐसे ऐसे कलाकार हमेशा हमेशा के लिए अमर रहते हैं.